नमस्कार, गोरखपुर लाइव के चुनावी सफर में हम कबीर नगर लोकसभा के बेलघाट ब्लॉक के शंकरपुर गांव में हैं। आइए जानते हैं जनता की राय, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लाल जी। क्या मुद्दा है यहाँ का? यह विकास मुद्दा है। कौन सा विकास नहीं हुआ पांच साल में? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। विकास जो जो भी इनकी घोषणाएं थी बीजेपी को, विकास कर दिया। क्या विकास होना चाहिए? विकास का कड़क होना चाहिए, यहाँ पानी व्यवस्था होना चाहिए, नौकरी नौजवानों नौकरी किसानों की बात होना चाहिए। कोई विकास नहीं हुआ, फिर कोई विकास होना चाहिए। आवाज तो खूब मिला है, शौचालय भी दो दो आवास, एक गांव दो दो आवास मिले हैं। जब सपा सरकार में सात सात आवास मिलते थे और बीजेपी सरकार में दो दो आवास मिले हैं, कहां आवास मिले आपको? क्या माहौल है यहाँ का, राजनीतिक माहौल क्या है? माहौल यहाँ तो गठबंधन दिखाई दे रहा है और माहौल दिखाई दे रहा है। हाल संजीव भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? अब वो जो गोरखपुर छोड़ दिए तो खाली बात कहा, निषाद कहा उनको लड़ना चाहिए। गोरखपुर क्यों छोड़ दिए? गोरखपुर में लड़ना चाहिए। उनको एमपी बनाए थे समाजवादी पार्टी ने, तो बीजेपी हटा दिए क्यों उनको? आप वो डमी कैंडिडेट हो गए फैजाबाद में आकर के। अगर डमी कैंडिडेट जी, अभी राजनाथ सिंह को सुनाई बहुत ज्यादा भीड़ थी रैली में उनके। जब गुजरात से आदमी आएंगे रैली में करने के लिए, जब महाराष्ट्र से आएंगे, जब राजस्थान से आएंगे तो भीड़ होगी। जब प्रदेश से चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जिन्हें की गुजरात का है, लेकिन आने वाले पूरे देश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं जो बीजेपी को गवर्नमेंट के हैं, तो भीड़ होगी। आप क्या करते हैं? हम तो राजनीति करते हैं, गाँव के प्रधान है। ऐसा है, जब किसान ने जब अपना गेहूँ व्यापारी को साथ में बेच दिया 1600 क्विंटल पे, तो लेकिन कुछ क्या करेंगे किसान जो है? पंद्रह खुलते हैं सरकारी क्रय केंद्र भाई, समझ से जब क्रय केंद्र नहीं खुलेगा ठीक, तो मजबूरी में तो बनिया को देना है भाई। किसान है और बिना उनको गेहूँ बेचे उसके अंदर शादी ब्याह देवता का कुछ हो नहीं पाता है। मजबूरी में तो बढ़िया खाद बेच रहा है, तो समस्या करने मिलेगा तो समय पैसा नहीं मिलेगा, तो मजबूरी में देना है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? रविंद्र कुमार। क्या माहौल है, क्या राजनीतिक माहौल है? बहुत अच्छा चल रहा है। गठबंधन से कुशल तिवारी है, परुण निषाद है बीजेपी से, और भालचंद जी आगे कांग्रेस से, क्या होगा, क्या कैसा होगा उनका यहाँ मुकाबला? एक तरफा कुशल तिवारी जीते हैं और अब तक सत्रहवीं लोकसभा ही अब तक ऐतिहासिक जल जीत करेंगे। प्रवीण निषाद के आने से क्या फर्क? अब प्रवीण निषाद अभी कहा है व्यापार संघ के अध्यक्ष ने कि डमी कैंडिडेट है। अब अगर प्रवीण निषाद ने इतना विकास किया होता तो उनको क्या कारण था कि गोरखपुर छोड़ के फैजाबाद आना पड़ता? प्रवीण निषाद का तो आरोप है कि जो है सपा ने घोषणा नहीं की। गोरखपुर लाइव से बातचीत में कहा था उन्होंने कि सपा ने जो है सांसद रहते हुए, हमारे सांसद बचते हुए, सपा ने सबसे पहले प्रत्याशी नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जिला पंचायत का चुनाव में हिस्सा है और समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बना दिया, जिनकी हैसियत जिला पंचायत प्रधान तक नहीं थी, उन्हें सांसद बना दिया और सांसद बना दिया और संसद में भेजा। उनकी इतनी हिम्मत काबिल नहीं है कि संसद में गरीब नौजवान किसान मजदूर छात्रों की आवाज संसद में रख सके। कबीर नगर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी समस्या? यहाँ विकास है, यहाँ किसानों के लिए किसानों समर्थन चाहिए, नौजवानों के लिए नौकरी चाहिए। यहाँ कताई मिल है वो भी बंद पड़ी हुई है, यहाँ देखिए कमरिया घाट पुल है अभी काम बहुत धीमे, सरकार ने पुल को पास किया था वो आज भी बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। यहाँ की रोड देखिए, आप गोरखपुर से आए होंगे, तमाम रोडों की रोड है गड्ढा है, ऊपर से उसको लेपन किया गया है, मिट्टी से लेपन किया, जिस तरह से डांसर होती है ना रात में दिन में कैसे दिखती है और रात में क्रीम पाउडर लगा के चमकती है, उस तरह इसको लेपने का काम किया गया है। शौचालय बनाए पानी की व्यवस्था नहीं है, बताइए बिना शौचालय में बिना पानी कैसे लोग जाएंगे? आवास वास मिला है कि नहीं? आवास एक लाख अच्छा आप क्या है? मैं तो छात्र नेता हूँ, उसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता मैं प्रधान भी है, प्रधानमंत्री क्या 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 दिक्कत होती है? प्रधानी कर्तव्य में ऐसा था कि जातवाद के नाम पर कुछ समय पहले मुझे तमाम गांव में काम विकास बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन यहाँ की जो आवश्यकता है काम कराने के पैसा देते हैं,
नहीं हम काम कराएंगे दूसरे देते हैं। अच्छा प्रधान है, क्या नाम है, क्या मामला है, क्या मुद्दा है, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है विकास वाला मुद्दा है। सड़क की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क तो चमक रही है सड़क भैया, आप देखिए आप इधर आते चाहे होंगे तमाम का अभी आगे बढ़िए देखिए कितना मालूम एकदम तमाम मुद्दा यहाँ की यादव जी चुनाव लड़ते हैं, यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन दरभंगा से नहीं लड़ रहे हैं, यादव तो पूनम से कर रहे थे, वहाँ उनके गाँव के लोग कर रहे हैं टिकट किया, इसी बात टिकट क्या माहौल है दरभंगा जीत रहा, गठबंधन जीत रहा क्लियर है, 2 लाख से जीतेगा, कुछ लोग कह रहे हैं प्रवीण साहब का बड़ा भारी है कुछ नहीं भाग कर आए क्या मुद्दा होना चाहिए कोई भी पार्टी सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव में जो हुआ तो विपक्षी तो पुलवामा मुद्दे पर संदेह कर रहे लाजमी भी मुद्दा होना क्या है, बात यह है की आप समीकरण कह सकते हैं, अगर समीकरण बना लिए जातिवाद के रूप से तो आप मानते हैं सत्तर वाले लोग जातिवाद कर रहे हैं, आपने कहा जातिवाद हुआ, आपने कहा जातिगत समीकरण, मैंने उस पर अपने अंदर गठबंधन क्या मामल है, बोले क्या बोलना है, जैसे इस प्रदेश के सम्मान नेता है, इस प्रदेश को हाईटेक बनाने में अखिलेश यादव के बाद दूर घूमता है, जो भी कहीं दूर दूर तक देख नहीं पाएंगे, कुछ नहीं विकास है आज जहाँ पे यदि आप जो लगा के जो घोषणा लगाएंगे सीमांचल खड़ा नहीं देता उसको बैठे कैसे देखा जा सकता है, जो शासकीय में नहीं चुट कर सकता मुख्यमंत्री में अभी फूल देखिए फाँक रही है सड़क, अभी जो भी इस क्षेत्र की सड़क बनी हो माननीय मुलायम अखिलेश यादव की देन है, जो भी एक भी अभी नया कुछ कर नहीं अखिलेश यादव जमीन दिया है अखिलेश यादव ने, उसका अखिलेश यादव ने सब कुछ कर करके गया है, अरे आज मुख्यमंत्री जो काम फांदे उसको तो होना ही होना है, अभी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक भी इंच नहीं रख पाए हैं जो कि महाराज जी, जबकि 22 महीने में रिकॉर्ड में 302 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दिया, ये 22 महीने हो गया इनको, 24 महीने हो गए एक भी इंच सड़क पर काम नहीं हुआ है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा क्या है यहाँ, ये क्षेत्र की सबसे ज्यादा ये सड़क है, बिजली है, पानी है, बिजली तो 24 घंटा ऐसा नहीं कुछ है, अभी भी जोगी महाराज ये भी नहीं कर सकते कि एक भी यूनिट कहीं बनाई, बिजली की समस्या दूर हुई कि नहीं, अखिलेश के कार्यकाल के हिसाब से योगी सरकार में बिजली की व्यवस्था कैसी,
कितना नंबर देंगे? मानते हैं अखिलेश से बेहतर है, इसी मामले में बेहतर है। ऐसा है, बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत वो नौकरी नहीं करता है और ना उसकी शादी करती है, उसको कुछ समय लगता है, 18-19 साल समय लगता है। तो ये मुझे भाजपा सरकार के लोग बताए कि उन्होंने बिजली के क्षेत्र में अगर काम किया है अच्छा तो कितने पावर से नहीं, इन्वर्टर से बैटरी वाले बता रहे हैं कि हमारी बिक्री नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं बिजली का इन्होंने बिजली के क्षेत्र में कितना काम किया है, कितने पावर प्लांट उन्होंने बैठाया है, टाइम लगा है। 5 साल बहुत होता है, तो 5 साल में तो नहीं दिखा लेगा। बेहतर काम करने के लिए टाइम लगेगा, अहमदाबादी में हम काम करेंगे तो साल में चौपट हो जाएगा। लंबे समय का फायदा लेना है, उसको बेहतर से काम करना पड़ेगा और बेहतर से काम करने के लिए उसको अच्छे से बनाना समय लगेगा। अच्छे काम के लिए हम मकान मजदूर बनाना है तो टाइम तो लगेगा। लड़का नौकरी पाता है जितने लेता है तो 18 साल लग जाता है। बिजली पूरे प्रदेश में ला देना तो टाइम तो लगा ही है। अच्छा, भ्रष्टाचार के मामले में यूपी लीडर से बता रहे कौन योगी आदित्यनाथ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान के निवर्तमान सांसद प्रवीण निषाद ने एक हाथ योगी जी तोड़वा दिए, दूंगा कीमत 55 करोड़ तोड़ दिए। अब 55 करोड़ दिए तो कितने मन ला रहे समझ लीजिए। उनकी भाजपा के पास ऐसी मशीन है कि एक तरफ से देश विरोधियों को डालिए और दूसरे तरफ से राष्ट्रवादी करते हैं। हाँ, लोगों से बात करते हैं। क्या है व्यक्ति ने कह रहा है, खोलने कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। क्या माहौल है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हो सकता है 1 हफ्ते में देते हो। जिनके पास झूठ बोलने की मशीन है, किसी के पास जाएंगे तो 300 बताएंगे, किसी के पास जाएंगे 250 बताएंगे, किसी के पास जाएंगे 450 बताएंगे। आप हमको बता दीजिए कि ये कौन सी मशीन है, कौन सी गणित है, कौन सा विज्ञान है, कहाँ से जाए जाते हैं। विकास का मुद्दा होना चाहिए, विकास ने जमीन दिया तब बनाया, कुछ नहीं बैठा भी हो गया। सब मुख्यमंत्री पांच पूर्व मुख्यमंत्री की योजना है, उसके अमली जामला पहना रहे हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं। आप हमको बताइए, मेट्रो का अखिलेश जी ने दिया उद्घाटन, भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया, लेकिन योजना तो हमारे मुख्यमंत्री की है। कमरिया घाट का पुल अखिलेश जी ने दिया, आप छावनी से ले लीजिए बहरगंज तक का रोड अखिलेश जी ने दिया, लेकिन उद्घाटन करने के लिए बाहर उद्घाटन तो उद्घाटन करते जा रहे हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात, राष्ट्रीय नया प्रधानमंत्री मिलेगा। कौन होगा? लेकिन 23 तारीख के बाद हम बिल्कुल आपको बताएंगे। आपको ढूंढ कर समय बताऊंगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जो भी होगा नया प्रधानमंत्री होगा, और 23 तारीख के बाद आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री जो भी होगा। तो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में पसंद अखिलेश यादव तो कहे मैं मुख्य प्रधानमंत्री पद का रेस नहीं, अरे मायावती जी होंगे।
आप बताइए प्रधानमंत्री के रूप में पसंद कौन प्रधानमंत्री सांसद चुनते हैं प्रशासन के मुद्दे पर मायावती और विकास के मुद्दे पर अखिलेश यादव की आवश्यकता है देश में। आप सर देखिए हम लोग इस संसदीय प्रणाली में संसद चुनने का काम करते हैं ना कि प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं। पसंद होती है ना प्रधानमंत्री के रूप में पसंद हमारा अधिकार से सांसद चुनना है तो हम सांसद चुनेंगे एक बेहतर सांसद चुनेंगे। एक पार्टी का मैनिफेस्टो मान लीजिए गठबंधन का होगा ना गठबंधन जो भी प्रधानमंत्री होगा इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री सबका एक गुना बेहतर।